पानी की समस्या के चलते अलवर में लोगों को रात रात भर जाकर पानी भरने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अलवर के वार्ड नंबर 6 के दिल्ली दरवाजा क्षेत्र में लोगों की पानी की दिक्कत से नींद उड़ गई है और अधिकारी मजे की नींद कर रहे हैं। यहाँ के लोग पानी के टैंकर पर निर्भर हैं, अगर वो भी नहीं आता तो दूर हैंडपंप पर पानी भरने जाना पड़ता है। रात को अक्सर यहाँ महिलाएं, बूढ़े बच्चे सभी बाल्टियां बर्तन लेकर पानी के लिए दौड़ते नजर आते हैं। इस स्थिति में लोगों का कहना है कि कोई अधिकारी नहीं सुनता। कई बार जलदाय विभाग के चक्कर लगा चुके, यहाँ कई वर्षों से पानी की समस्या बरकरार बनी हुई है। वार्ड नंबर 6 ये बीच के मोहल्ले में अपने ट्रांसफार्मर लग रहा, उसके अंदर रातों रात लेट जग रहती है, 12-1 बजे का पता नहीं, 2 बजे का पता नहीं, और कई कई सालों से पड़ नहीं आता। गंगा मंदिर की तरफ देख लो, वो कच्ची बस्ती की तरफ देख लो, लालदास जी के मंदिर की तरफ देख लो, अपने मीणा पहाड़ी की तरफ से कम 2-3 किलोमीटर में बोल्डिंग की तरफ से लाते हैं, अशोका टाके से लाते हैं, भगत सिंह चौराहे से लाते हैं, टेम्पो भर भर के लाते हैं रात को 2-3 बजे। पानी कितने सालों से नहीं आता? 5-6 साल हो गए, इधर तो आता ही नहीं है पानी। पार्षद कोई ध्यान नहीं देता। पार्षद है कमला पार्षद प्रजापत, उसकी चलती नहीं है चौन में कुछ भी, वो तो बस खाने पर। यहाँ का टैंकर 3 अला हुआ है। किस चीज़ की पार्षद है? बीजेपी की है। 3 टैंकर अला हुआ गवर्नमेंट से उनको, पार्षद को हर साल हमेशा के लिए, लेकिन एक भी टैंकर नहीं आता, वो पार्षद खुद ही खा जाता है। कैसे कर रहे पानी? इधर बिधर से पानी भर भर के लाते हैं सुबह से शाम। और क्या खाने, मेरे को तो खुद को 2 दिन हो गया नहाया ही।